बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस एवरीडे साइंस, जिसे हम जनरल साइंस भी कहते हैं, इसके 100 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। गाइस आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी, एफपीएस, यूटीएस, एनटीएस, ओटीएस, केपीएससी, बीपीएस, इसके अलावा एएसएफ, आईबी, पाक फोर्सेज के जितने टेस्ट आ जाते हैं, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाक आर्मी, पाकिस्तान नेवी, जितने भी टेस्ट आ जाते हैं, तो गाइस उनमें एवरीडे साइंस जनरल साइंस के लाजमी क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गाइस जो पेपर में क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे, इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो से मिलेंगे। तो गाइस कंप्लीट आपने वीडियो को वॉच करना है, इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में सबसे जो बड़ा ग्लैंड है गाइस वो कौन सा है? तो गाइस इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है, तो लिवर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबस्शन इज द प्रोसेस इन विच। गाइस इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कंबस्शन का प्रोसेस में क्या होता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, जुपिटर इज द लार्जर देन द अर्थ बाय अबाउट। गाइस आप लोगों को पता है कि जुपिटर एक प्लैनेट है, तो गाइस ये लार्जर होता है देन द अर्थ बाय अबाउट। कितना मीन के लार्जर होता है गाइस, इन चार ऑप्शन में से हमने ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ये बार बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर बनता है 10 times, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ एटमोसफियर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी वेव मीन के रिफ्लेक्ट करती है? इसका जो राइट आंसर बनता है आयनोस्फीयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज, ये भी जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन पेपर में होंगे वो मेरी वीडियो से मिलेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट फ्रॉम इट ड्यू टू द। गाइज जब भी हम मिल्क को मीन के वो जो जब मीन का मक्खन निकालते हैं, तो जब क्रीम जो सेपरेट हो जाती है वो किस वजह से गाइज होती है? इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफियर। तो इनमें से कौन से पर्सन, चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस है जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, मीन के लिबरेट होती है? तो रेस्पिरेशन, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 degrees centigrade पर होती है। गाइस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है 6, 3, 9, 6, 47, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बताया है ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। तो किस फॉर्म में मीन के ये यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को पौधे? तो इन चार ऑप्शन में से बताना है, नाइट्रेट्स की शक्ल में, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉप्ड एट। तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीके के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज हिरोशिमा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर बोन एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ विच सब्सटेंस। तो गाइज ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट के, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सी कॉमन डिजीज़ है। तो गाइज जो दांतों की मीन की बीमारी है, ये कॉमन एक बीमारी है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो गोइटर की बीमारी गाइज जिसमें जब गला फूल जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से बताना है, सोडियम कार्बोनेट कब मीन के प्रोड्यूस होती है? तो इन चार ऑप्शन में, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़। तो गाइस हमने लाइट की स्पीड बतानी है कितनी होती है, तो 300,000 km/s, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइस आपने तमाम क्वेश्चन को एक बार नहीं, अगर वीडियो की समझ नहीं आती दूसरी बार, गाइस आपने लाजमी इन क्वेश्चन को याद कर लेना है। इससे पहले भी मैं 100 क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ, तो आपने ये 200 MCQs की प्लेलिस्ट गाइस एवरीडे साइंस से रिलेटेड आपने लाजमी किसी भी टेस्ट को देने से पहले देख कर जाना है। इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन होंगे वो मेरी वीडियो से मिलेंगे आपको। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, ऐसे यूनिट ऑफ टाइम। तो गाइस टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट आर मेड ऑफ। तो गाइस एलिमेंट किस चीज़ के बने होते हैं? इसका जो राइट आंसर है एटम्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैव नो चार्ज। तो इन चार ऑप्शन में से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डैश आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम।
इन चार ऑप्शन में से प्रोटॉन प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मैटर्स इज मेड ऑफ, किसके बने होते हैं, तो गाइज ये आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट एटम्स के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है डैट इज एनी थिंग डैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मैस, तो किसकी वजह से मीन के स्पेस एंड मैस रखते हैं, तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है मैटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवाइस डैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो गाइज मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन सी डिवाइस इन चार ऑप्शन में से कन्वर्ट करती है, तो आपने ये याद रखना है जनरेटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, आसमान का जो रंग है गाइज ये नीला है किसकी वजह से है, तो गाइज ये आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक किल्न्स के लिए गाइज, चिल्ड्रन टॉयज के लिए, किचन यूटिलिटीज के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए, तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू द ईयर ड्रम इज, तो गाइज कितनी मीन के डेंसिटी होनी चाहिए गाइज, इसका जो राइट आंसर बनता है हमारा 100 dB पर जब होगी, तो गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो गाइज क्या यूनिट होता है इसका जो राइट आंसर बनता है जीन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज ड्यू टू, तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है इलास्टिक कार्टिलेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा एंजाइम नहीं है, तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है सेक्रेटिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय, तो गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है इसका जो राइट आंसर बनता है ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है अ रेड टोमेटो अपीयर्स टू बी विच अंडर ब्लू लाइट, तो ब्लैक हो जाता है, रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, पर्पल, तो इसका जो राइट आंसर बनता है हमारा ब्लैक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो गाइज ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपने ये याद रखना है गाइज, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायर हैविंग अ ब्लैक प्लास्टिक कवर इज अ, तो गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है लाइव वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूज वायर इज जनरली मेड ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है गाइस, टिन लीड अलॉय की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स आर कनेक्टेड इन, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है पैरेलल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाज गिवन बाय फ्राडे ने, मैक्सवेल ने, लेंस ने, बोहर ने, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है फ्राडे ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिट रिंग इन मोशन इज कॉल्ड, तो गाइज ये क्या कहलाता है गाइज, कम्यूटेटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग कांट बी यूज टू मेक अ सोलर सेल, इन चार ऑप्शन में सिलिकॉन, प्लाटिनम, गैलियम, जर्मीनियम, तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है प्लाटिनम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एटॉमिक रिएक्टर इज कॉल्ड यूज फॉर स्टडीज यूरेनियम ऑफ हैवी वाटर लैटिस, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है जेलिना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी वाटर DTO H2O नन ऑफ दिस, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी DTO, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज द स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन, तो गाइस आग जलाने के लिए कौन सी मीन के गैस स्पोर्ट करती है, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो गाइस जो राइट आंसर बनता है क्रूड ऑयल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैग्नेटाइट इज एन, तो गाइस क्या है, न्यूट्रल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, नन ऑफ दिस, तो इसका जो राइट आंसर बनता है न्यूट्रल मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, तो कहाँ यूज होते हैं गाइस, ये इलेक्ट्रिकल बेल्स में भी होते हैं, टेलीफोन्स में भी होते हैं, डायनामोस भी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्सीज आर यूजली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस की वजह से, साइज, शेप, ऑल ऑफ द अबव, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है शेप की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूटिंग स्टार इज अनदर नेम फॉर, तो शूटिंग स्टार का अदर नेम क्या है गाइस, मीटियोर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज अ स्टार, तो गाइस आप लोगों को पता है सन एक
स्टार है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइज जितने क्वेश्चन मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइज ये आपने याद कर लेने हैं एज इट इज़। अगर मैं कहूँगा इनको क्रैमिंग जिसे हम रट्टा कहते हैं आपने लगा लेना गाइज, ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द फील्ड इन विच आइंस्टाइन वन नोबल प्राइज़। तो गाइज आइंस्टाइन ने किस फील्ड में नोबल प्राइज़ वन किया था, मींस जीता था, मिला था जिस बेस पर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशन। तो गाइज पता होगा आप लोगों को फिजिक्स, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमोसफियर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो किसकी वजह से मीन के ये लाइट डिफ्यूज़ होती है एटमोसफियर में गाइस, इसका जो राइट आंसर बनता है डस्ट पार्टिकल की वजह से, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉन्ड्स लुक्स शैलो बिकॉज ऑफ, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन, डिस्पर्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड मैजिक नंबर, रिप्लेस नंबर, न्यूट्रल नेचुरल नंबर, मैच नंबर। इसका जो राइट आंसर बनता है मैच नंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली इफ इट्स सरफेस इज। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है, तो हमारा राइट आंसर बनता है ब्लैक एंड रफ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइस बॉल फ्लोट्स इनटू वाटर टैंक व्हेन द आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल इज। तो गाइज राइस हो जाता है, डजंट चेंज, फॉल्स डाउन नन ऑफ दिस। तो गाइज कॉमन सेंस की बात है, डजंट चेंज, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, सोलर एनर्जी, अ लेजर, प्लाज्मा, कॉस्मिक रेज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है गाइज अ लेजर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सन, जुपिटर, मरकरी, अर्थ। इसका जो राइट आंसर बनता है अर्थ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड कंडक्टर हैव मैनी लूज बॉन्ड्स पर एटम्स, प्रोटॉन, मालिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द कलर ऑफ रेड रोज इन ग्रीन लाइट, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी ब्लू। इसका जो राइट आंसर बनता है ब्लैक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग मिरर इज मोस्ट सूटेबल फॉर यूजिंग एज अ रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट्स। तो कौन सा मिरर मीन के इस्तेमाल होता है गाइस, पैराबोलिक मिरर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड टू कुक फूड इन स्पेशल ओवंस। तो कौन सी मीन के रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं, गैमा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है माइक्रोवेव, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ईएम रेडिएशन गिव्स प्यूपल टांस। तो गैमा, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। इसका जो राइट आंसर बनता है अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिवाइस मेक्स यूज ऑफ ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सोनार, रेडार, स्कूबा, टेजर। इसका जो राइट आंसर बनता है रेडार, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप्स हैव द हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स, रेडियो, विजिबल, एक्सरेज, इंफ्रारेड। तो एक्सरेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट ग्रीक लेटर इज यूज्ड टू डिनोट फ्रीक्वेंसी। तो गाइस फ्रीक्वेंसी को हम एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ग्रीक लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इफ यू हैव लाइट 5500 एंगस्ट्रॉम्स व्हाट कलर इज। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, येलो हो जाती है, वायलेट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ग्रीन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्टोरिंग फोर्स इज, तो गाइज रिस्टोरिंग फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, तीनों मीन के फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। गाइज अब जितने क्वेश्चन आएंगे ये हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो कितनी बोन होती है गाइज हमारे ह्यूमन ईयर में, तो गाइज 6, 3 एक साइड पर, 3 मीन के दूसरे पर, राइट लेफ्ट पर, 6 बनती हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है गाइज लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्रायोमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है, जो सोर्स है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है फोटोवोल्टिक सेल्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है हमारा 0, ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो गाइस आपने याद रखना है टेस्ला यूनिट होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय? तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, डाल्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe हैज 26 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियर, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव? तो गाइस टोटल मीन के 26 प्रोटॉन है, दो मीन के इसमें चार्ज है, ये लेस कर देते हैं, 26 - 2, तो गाइस 24 इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिक्रीज्ड? इंक्रीज हो जाती है गाइस, डिक्रीज हो जाती है, रिमेन सेम जीरो, तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है इंक्रीज हो जाता है उसका साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी? तो किस चीज़ के मीन के रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है? गर मॉलर काउंटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ? कितनी मीन के इनकी हाइट है जमीन से? तो इसका जो राइट आंसर बनता है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, म्यूचुअल इंडक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेल्फ इंडक्शन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? तो गाइस न्यूटन मीटर होता है, इसका आपने फार्मूला भी याद रखना है, टॉर्क आर क्रॉस एफ इसका फार्मूला होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चौक इन ट्यूब लाइट? तो गाइस ट्यूब में आप लोगों ने चौक देखा होगा, उसका क्या मीन के पर्पज होता है डालने का? तो गाइस ये आपने याद रखना है, रिड्यूस करंट इन द सर्किट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तो गाइस क्या मीन के यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का? आपने याद रखना है मोहो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इन्वेंटेड द बैटरी? तो बैटरी किसने इन्वेंट की थी गाइस? वोल्टा ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है 10^-10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड? तो गाइस आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच रेज इज नॉट इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है कैथोड रेस इमिट होती हैं गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट इफ आइस ऑन केल्विन स्केल? तो गाइस ये आपने याद रखना है 273, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल इन बोन मैरो इज कॉल्ड? तो गाइस ये क्या कहलाता है? तो गाइस ये आपने याद रखना है हिमाटोपाइसिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मेडिसिन? तो गाइस किनको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स कास्ट बाय? तो किसकी वजह से होती है चिकन पॉक्स की बीमारी? आपने ये याद रखना है वायरस की वजह से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज पिचोटली ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? तो गाइस ये आपने याद रखना है ब्रेन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स? तो गाइस ये सॉरी रिपीट हो चुका है, 6 होती हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो गाइज ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी लीवर होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड ऑफ स्टडी ऑफ टीथ? तो गाइज अडेंटालोजी कहते हैं गाइज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो कौन सा पार्ट होता है गाइज? स्पाइनल बोन, एनमल, नी बोन, नेल्स, इसका जो राइट आंसर बनता है इनमल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो कितनी टाइप्स के दांत होते हैं गाइज? ये आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 टाइप्स के होते हैं गाइज। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन? तो किस पर डिपेंड करता है? कॉर्निया, आयरस, पपिल, रिटिना? तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनता है आयरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर? तो हमारा कौन सा बॉडी का ग्लैंड है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो गाइस आपने याद रखना है एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टेम्परेरी टीथ इन ह्यूमन बॉडी? तो गाइस इसका जो राइट आंसर बनता है 20, टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड? तो कौन सा ग्लैंड है गाइस जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? तो आपने ये याद रखना है पैंक्रियास, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? तो जो हमारा येलो कलर हो जाता है जब यूरिन का, किसकी वजह से मीन के जो मौजूदगी साबित करता है, मीन के शो करता है, इसका जो राइट आंसर बनता है गाइस यूरोक्रोम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs जनरल साइंस से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइस अपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस जैसा कि कंप्यूटर से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड,
देन पाक हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी गाइज, जीके से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल अपलोड करने जा रहा हूँ। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।